गेस क्या अभी खेलना चाहते कुछ अच्छे हाई ग्राफिक्स वाले गेम अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप पे? खेल नहीं पा रहे क्योंकि भाई मेरे पास तो 1 GB रैम है और ग्राफिक कार्ड के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो वेल गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, निकालिए वो धूल लगा हुआ पीसी या लैपटॉप और उसे आप साफ करके खोल के बैठ जाइए और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफ़ी खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पीसी या लैपटॉप को एक कोने में साइड कर दिया है, क्योंकि भाई उसमें कोई गेम चलने वाला नहीं है। तो वेल गाइस, मैं आप लोगों के लिए कुछ 10 ऐसे गेम लेके आया हूँ जो कि आपके 1 GB रैम वाले पीसी या लैपटॉप पे बिना ग्राफिक कार्ड के आराम से चलेंगे। एंड खास बात यह है कि इनमें से आधे से ज़्यादा गेम ओपन वर्ल्ड है। जी हाँ दोस्तों, एंड इन सभी का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी, आपको बहुत ही पसंद आने वाला। और दोस्तों, अगर आपने स्क्रॉल करते करते या आपके प्यारे दोस्त ने इस वीडियो को शेयर कर दिया तो भाई लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब करके जाना। देखो यार, हम 100K के बहुत ही नज़दीक है, तो एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते। वेल गाइस, जो हमारा सबसे फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है फ्यूल। तो फ्यूल एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है। हाँ, ये एक रेसिंग वीडियो गेम है, बट दोस्तों अगर आप इस गेम को खेलते हो तो भाई आपको लगेगा कि नहीं मैं एक रेसिंग गेम खेल रहा हूँ। मतलब इस गेम का जो मैप है वो काफ़ी बड़ा है, पूरा ओपन वर्ल्ड का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दोस्तों इस गेम को डेवलप किया गया था ASBO स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है कोड मास्टर के द्वारा। एंड सो वेल गाइस, इस गेम को रिलीज किया गया था June 5, 2009 को एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे विंडोज पे खेल सकते हो, Xbox, PlayStation 3, मतलब ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए गेम उपलब्ध है। साथ ही साथ गेम की बात करें तो भैया यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं, इसका मतलब ये गेम मल्टीप्लेयर भी है। एंड इस गेम का जो मैप है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा मैप है, जब आप इस गेम को खेलोगे तभी जाके आप इस गेम का मैप को एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो वेल गाइस, इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वेल गाइस, रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 250 MB ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो दोस्तों 6 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे। एंड प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम डी में गेम आराम से चल जाएगा। तो वेल गाइस, इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप पे तो कूद फान के भाई सुपरमैन जैसे मेरे वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे सेकंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है फार क्राई 2। एंड दोस्तों, फार क्राई 2 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। साथ ही साथ ये फार क्राई का सेकंड गेम निकल के आता है। इस गेम को रिलीज किया गया था 24 अक्टूबर 2008 को। मोड की बात करें तो भैया सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। ये गेम ऑलमोस्ट आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 3, Xbox एंड अपने विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीका से खेल सकते हैं। गेम की बात करें तो भैया गेम पूरा एक्शन एडवेंचर गेम है, मतलब यहाँ पर आपको फुल एंजॉयमेंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। स्टोरी लाइन मिशन गेम है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। एंड साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ पर मिशन कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आप एक ओपन वर्ल्ड सिटी को एक्सप्लोर करोगे। इसमें आप बोट चला सकते हो, कार चला सकते हो, फाइटाफाइटी कर सकते हो, मतलब हर एक चीज़ वो कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड में करना चाहते हो। एंड वेल गाइस, इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 5 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आपके पास है नहीं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर कि जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है LA Rush। एंड दोस्तों, LA Rush एक आपका ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया मिडवे स्टूडियो के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे प्लेस्टेशन 2, Xbox, विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीका से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। गेम की रिलीज डेट की बात करें 28 अप्रैल 2006 को। गेम है दोस्तों वो एक रेसिंग गेम है, बट जैसे ही आप यहाँ पर रेसिंग करोगे तो जो आपको यहाँ पर सिटी मिलेगा वो पूरा ओपन वर्ल्ड यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड आफ्टर दैट आप सिटी को इधर उधर एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब आप एक ओपन वर्ल्ड जैसा यहाँ पर आप इधर उधर भटक भटक सकते हो, मतलब सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। ग्राफिक क्वालिटी की बात करें तो भैया काफ़ी ओपी, आपको ज़रूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। गेम की
की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो एलए रश का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 256 MB होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो 6 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को खेलने के लिए। और प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल पेंटियम में गेम आराम से चल जाएगा। और अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है Assassin's Creed 1। एंड दोस्तों Assassin's Creed 1 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया Ubisoft के द्वारा। सरचा दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया था नवंबर 13, 2007 को एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे अपने PlayStation 3, Xbox एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए आराम से खेल सकते हो। सरचा मोड की बात करें तो भैया ये गेम अभी तक सिंगल प्लेयर है एंड इस गेम का जो स्टोरी लाइन दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि मिशन कंप्लीट स्टोरी लाइन गेम। तो यहाँ पर मैं इस गेम का जो स्टोरी लाइन है वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत होती है 2012 को, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम डेसमंड माइल रहता है वो एक बारटेंडर शॉप चलाता है US न्यूयॉर्क में। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसे किडनैप करके, डेसमंड माइल को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। एंड डेसमंड माइल्स के जो फादर रहते हैं वो एक टाइप के यार असैसिन रहते हैं। उनको इंडस्ट्री के दो डॉक्टर विलियम वेट्स वो एक डेसमंड को एक मशीन में इंसर्ट करते हैं, मतलब लिटा देते हैं एंड उसे ज़बरदस्ती उस मशीन में लिटाया जाता है। एंड बेसिकली वो मशीन क्या रहता है दोस्तों, एक DNA चेंज मेमोरी टाइप का जो मशीन रहता है कि किसी का भी DNA आप पे इंसर्ट करके वो रियलिटी है वो उसे शो करता है। तो बेसिकली यहाँ पर अब क्या होता है कि डेसमंड माइल जो रहता है 12th century में पीछे चले जाता है एंड वो एक असैसिन बन जाता है, वो अब मिशन को कंप्लीट करता है। तो बेसिकली यही एक स्टोरी लाइन दोस्तों। एंड साथ ही साथ इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसका क्या कहना, गेम का स्टोरी दोस्तों। एंड यहाँ पर आफ्टर मिशन आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक फिटक सकते हो, किसी को भी मुक्का वुक्का चला सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों, जरूर से आपको इस बार ट्राई करना चाहिए। तो इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर अवेल कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम डी में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने PC या लैपटॉप पर इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको ये गेम पसंद आता है तो भाई देर किस बात की, नीचे लिंक है कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। लेकिन जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है प्रोटोटाइप। एंड दोस्तों प्रोटोटाइप एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा एंड इसे डेवलप किया गया रेडिकल एंटरटेनमेंट के द्वारा। बेसिकली ये आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 3, Xbox, PlayStation 4 एंड Xbox 360 इनफैक्ट अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीका से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर आता है। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो जून 12, 2009 को इस गेम को रिलीज किया गया था। गेम की बात करें तो बट होता है दोस्तों न्यूयॉर्क में। होता है क्या है कि न्यूयॉर्क में कोई ऐसा बहुत ही खतरनाक वायरस इन्फेक्ट हो जाता है, जैसे अपन अभी कोरोना वायरस से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वैसे ही एक न्यूयॉर्क में ऐसा वायरस आता है जो कि आदमी को यार मतलब जॉम्बी में कन्वर्ट कर दे रहा है या तो उसे म्यूटेट कर दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर एक ब्लैक वॉच करके वहाँ पर एक आर्मी रहती है, आर्मी का नाम रहता है जो कि एक प्राइवेट आर्मी रहती है, गवर्नमेंट उसे हायर करती है एंड जिन पे भी शक जाता है भैया तो वो आर्मी क्या करती है उसको वहीं पर ठोक देती है, मतलब शूट एंड साइड का ऑर्डर वहाँ पर मिल जाता है। कि एलेक्स को दो डॉक्टर एग्जामिन कर रहे थे, मतलब उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे, तो होता क्या एलेक्स मरता नहीं, एलेक्स वही वायरस का शिकार हो जाता है। कि भैया ये जो वायरस रहता है जिन पे ये अपना कब्जा करता है या तो उसे वो म्यूटेट कर देता है या तो उसे जॉम्बी में क्रिएट कर देता है, बट एलेक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखता रहता है, एलेक्स को पता चलता है कि भैया मेरे पास तो सुपर नेचुरल पावर आ चुके हैं बट वो अपना याददाश्त भूल चुका है। अब क्या करता है कि एलेक्स को वो आर्मी वाले देख लेते हैं, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगते हैं, बट एलेक्स को कुछ भी नहीं होता है। एलेक्स क्या करता है, उन सबको मार पीट के डिशुम डिशुम करके उनको मार देता है। एंड एलेक्स के पास एक और सबसे अच्छा यार पावर रहता है, वो किसी का भी मतलब जो होता है ना एक तरह का रूप धारण कर सकता है, उसे अब्सॉर्ब कर लेता है एंड उसका जो मेमोरी वो उस पर आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ब्लैक वॉच के जो आर्मी को वो मारता है तो उनके सोल्जर को जब वो अब्सॉर्ब करता है उनका पूरा शरीर को, तो उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। उसको अपना बहन का याद आता है जिसका नाम डैना रहता है। तो अब क्या करता है, एलेक्स डैना के पास जाता है और ये वायरस कौन म्यूटेट किया, कौन फैलाया, बेसिकली स्टोरी यहाँ से अब स्टार्ट होता है। बेसिकली यहाँ पर आपको यार बहुत ही
एडवेंचरिस्ट यहाँ पर आपको पूरा सीन देखने को मिलेगा। एंड इस गेम का जो मिशन है दोस्तों वो काफी अमेजिंग है, ओपन वर्ल्ड व्यू देखने में मिलने वाला है एंड यहाँ पर आप बहुत सारे तोड़फोड़ करने वाले हो, ठीक है। तो बेसिकली इस गेम में यही आपको करना रहता है एंड गेम के जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया सिर्फ मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 256 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 8 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इस गेम को इंस्टॉल करना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 6th गेम के ऊपर। जो हमारा 6th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टेस्ट ड्राइवर अनलिमिटेड। एंड दोस्तों टेस्ट ड्राइवर अनलिमिटेड एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया ईडन गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया अटारी गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 2, Xbox 360 एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीका से खेल सकते हो। इस गेम को रिलीज़ किया गया 27 अप्रैल 2007 को इस गेम को रिलीज़ किया गया था। एंड मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आपको सिंगल प्लेयर भी देखने को मिलता है, मल्टीप्लेयर भी यहाँ पर आप खेल सकते हो। सो बेसिकली ये एक रेसिंग गेम है, यहाँ पर आपको रेसिंग करना पड़ता है। ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी OP है एंड गेम में आपको करना क्या रहता है, यहाँ पर आपको रेसिंग करना रहता है एंड यहाँ पर आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, उस टास्क को आपको कंप्लीट करना रहता है। साथ ही साथ इस गेम का मैप काफी बड़ा है एंड इसमें आपको ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिलने वाला है। साथ साथ यहां पर आप आफ्टर मिशन कर सकते हो, इधर विधर भटक पिटक सकते हो, मतलब पूरा आप एंजॉयमेंट ले सकते हो। इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर मैं रिवील कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो भैया मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 200 MB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 3 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 7th गेम के ऊपर। तो वेल गाइस जो हमारा 7th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है WRC 3 FIA वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप। तो वेल गाइस इस गेम के बारे में बात करें तो भैया WRC 3 जो FIA गेम है वो आपका एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है माइलस्टोन गेम के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है ब्लैक बीन गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 3, PlayStation एंड इनफैक्ट Xbox 360 अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीका से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली गेम की मोड की बात करें तो भैया यहाँ पर आपको सिंगल प्लेयर भी मिलता है एंड मल्टीप्लेयर भी मिलता है। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो भैया गेम को रिलीज किया गया था 12 अक्टूबर 2012 को। एंड गेम की बात करें तो बेसिकली दोस्तों इस गेम में आपको रेसिंग करना रहता है बट साथ साथ इस गेम में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कार देखने को मिल जाते हैं। इन्वायरमेंट पे जो दोस्तों ये रेसिंग होता है वहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी OP है। इस गेम को ज़रूर से आपको एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम खोज रहे हो। तो वेल गाइस इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 6 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। जो हमारा 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ब्रिंग। ब्रिंग की बात करें फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है डैमेज के द्वारा। इस गेम को पब्लिश किया गया बेथेस्डा सॉफ्टवेयर्स के द्वारा। हम आपकी PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब्ध है। बेसिकली गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम में आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो एंड मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो भैया गेम 10th मई 2011 को रिलीज किया गया है। गेम की बात करें तो भैया गेम काफी OP है। ये फ्री टू प्ले गेम है एंड साथ ही साथ दोस्तों इस गेम में आपको पूरा शूटिंग वूटिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपने अपोनेंट टीम को यहाँ पर आपको डिफीट करना पड़ता है, मतलब उसे मारना रहता है एंड इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग गन देखने को मिल जाते हैं, मशीन्स गन देखने को मिल जाएंगे। एंड यार कसम से बताऊँ तो जब आप इसे मल्टीप्लेयर में खेलोगे ना काफ़ी मज़ा आने वाला है। गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें और गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 8 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कूद फान के जाओ मेरे वेबसाइट पर इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। ये जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टर्निंग पॉइंट फॉर लिबर्टी।
टर्निंग पॉइंट फॉल ऑफ लिबर्टी। एंड दोस्तों एडवेंचर फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया आर्क अनलिमिटेड के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है कोड मास्टर के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 3, Xbox 360 एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो भैया गेम को रिलीज किया गया था मार्च 14, 2008 को। गेम की बात करें तो गेम पूरा वॉर पे बेस है। यहाँ पर आप एक सोल्जर का किरदार ले पाते हो एंड आपने अपोनेंट एनिमी को यहाँ पर आपको शूट करना रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों। जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा एंड इस गेम का जो ग्राफिक क्वालिटी है वो काफ़ी ओपी है। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 6 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करना है वेबसाइट पर, लिंक है वेबसाइट का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे लास्ट आखिरी 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आया था, उस गेम का नाम है प्रोजेक्ट IGI 1। एंड दोस्तों IGI के बारे में आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। तो वेल गाइस IGI के बारे में बात कर ले तो वेल गाइस IGI एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है इनर लूप स्टूडियो के द्वारा एंड पब्लिश किया गया स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा। ये गेम आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध हो जाता है। इस गेम को रिलीज़ किया गया था 8 दिसंबर 2000 को। मोड की बात करें तो गेम आप सिंगल प्लेयर खेल सकते हो। बात करें तो भैया गेम में आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो जो कि एक रॉ एजेंट रहता है एंड अपना आपको यहाँ पर मिशंस कंप्लीट करना रहते हैं। अपने एनिमी के एरिया में जाके आपको कुछ मिशंस कंप्लीट करना रहता है। वो काफी सारे मैप्स देखने को मिल जाएंगे। जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 32 MB का ग्राफिक कार्ड आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए। और स्पेस की बात करें तो भैया 700 MB के आसपास स्पेस खाली रखना। प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम के कोई भी प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा। इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो बस इतना ही था एंड यही कुछ 10 गेम थे आपके पोटैटो PC के लिए जिसमें 1 GB रैम है और ग्राफिक कार्ड कुछ भी नहीं है। आई होप दोस्तों कि इन टॉप 10 गेम में से आपको कोई एक नए गेम जरूर पसंद आएगा। और कमेंट करना कि आप कौन सा गेम खेलने वाले हो, खेल चुके हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।